लाइव 24 और मैं हूँ आपके साथ सोनाली ठाकुर। जनपद संभल के चंदौसी के बनिया खेड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत असालपुर जारई में अज्ञात जानवर द्वारा पशु खाने की सूचना पर वन विभाग ने कैमरे लगाए हैं। जनपद संभल की चंदौसी के विकास खंड बनियाखेड़ा के ग्राम पंचायत असालपुर जराई में ग्रामीणों की घेराबंदी में बकरी को अज्ञात जानवर द्वारा खाने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर ग्रामीणों से जानकारी एकत्रित की और हमला करने वाले जानवर को ट्रेस करने के लिए कैमरे लगाए। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय वन इंस्पेक्टर ने बताया कि पशु पर हमले की सूचना मिली थी, जिसके बाद जानवर को ट्रेस करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। क्योंकि एक जानवर ने बकरी को यहाँ पे खाया गया है, उसके अगले दिन हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई और यहाँ पे कैमरा यहाँ पे लगाए ताकि इसके कुछ ना कुछ फोटो या वीडियो हमें मिल सके। लेकिन जैसे हमने कल रात को लगाया, फिर आज दिन में निकाल के उसे चेकिंग की गई, अभी कोई हमें जानवर के इसमें नहीं मिला है, ना फोटो मिली है ना वीडियो मिली है। फिर भी हम एक दो दिन और लगातार इसमें लगाते रहेंगे और निरंतर हम इसमें गश्त कर रहे हैं रात को और दिन में गाँव में और जिस भी गाँव से हमें सूचना आ रही है। अच्छा, प्रथम सूचना जब आपको प्राप्त हुई थी तो ग्रामीणों ने क्या बताया आपको? ग्रामीणों ने बताया कि रात को 12 या 1 बजे तक उसने हमला किया था। इस टाइम यहाँ कोई नहीं था, खाली बकरियाँ बांध रखी थी और सभी लोग सो रहे थे। अच्छा, यहाँ जो नगर में जो भ्रामक जो स्थिति बना रखी लोगों ने तेंदुए की, तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा जानवर हो सकता है? नहीं, तेंदुए की आशंका तो नहीं लग रही है इसमें, ऐसा लकड़बग्घी की आशंका थोड़ी लग रही है, लेकिन अभी कन्फर्म बिल्कुल नहीं हो पाया है। जब तक हमें फोटो या वीडियो में कुछ नहीं दिखेगा तब तक हम नहीं बता सकते कि इसमें क्या है। वैसे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल करा है किसी ने, वो बताया गया है कि जारे का वीडियो है? नहीं, वो जारे का वीडियो नहीं है, वो दरअसल एडिटिंग करके मिलाया गया। अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो दो वीडियो को मिक्स करके बनाया गया है और जो पहला वीडियो उसमें बाघ का दिखाया गया है वो असल को जारे क्षेत्र का नहीं है। अच्छा, पंजों के भी फोटोग्राफ आपने लिए, उसकी स्कैनिंग भी की है, उसके तो क्या क्या कहेंगे? स्कैनिंग के हिसाब से हमें नहीं लग रहा है कि वो हमारा या तो गुंडा है या कोई ऐसा भयानक जानवर है। अभी देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, जैसे हमें पता चलता है हम बताते हैं इसके बारे में। ठीक, थैंक यू। कहाँ रहते हैं? मैं जा रही हूँ निवासी। एक बकरी के जानवर द्वारा खाए जाने की सूचना मिली थी, जिसमें वन विभाग की टीम भी यहाँ पे आई, कैमरा भी लगाया, तो क्या मामला था, क्या लग रहा है आपको? ये हम रात को बांध के यहाँ पे, यहाँ पे बनती है, हम सो गए थे रात को बांध कर। किस समय की लगभग बात होगी? लगभग 1:30 बजे की बात है। फिर हम सुबह 4 बजे जाके, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर पे पहुँचे, वो मेहमान लगे, हमने आके देखा उसी बकरी के बच्चे। हाँ, उसी बकरी के बच्चे। वो बकरी देखा तो उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ सर और एक टांग थी और उसमें खून के एक बूंद भी नीचे नहीं थी। पूरा खा लिया उसको? पूरा खा लिया उसके लिए। तो फिर आपने इसकी जानकारी किसी को दी? हाँ, फोन कराया था हमने, पत्रकार के लिए फोन कराया था हमने कि इन्हें फोन कर दो, हमारी जांच करवाओ। तो यहाँ अधिकारी आए थे? हाँ, आए थे।